तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू फ्रेश ब्लॉग वीडियो में। तो मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं अननोन पहाड़ी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं द्वारहाट और हमारा सफ़र डेली का यही चलता है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी मैं अपने गाँव से काफ़ी आगे निकल के आ चुका हूँ। तो हमारे गाँव से द्वारहाट पड़ता है लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है एवरेज। बाकी कच्ची सड़क है 4-5 किलोमीटर की। तो अभी मैं हूँ कच्ची सड़क पे, बाकी खूबसूरत वादियों के साथ हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो पहाड़ के जितने भी लोग होते हैं काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। और लेकिन अगर यहाँ की अभी करंट बात की जाए तो हमारे गांव में अभी पूरी तरह से सड़क का मिलान भी नहीं हुआ है और तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैक्सिमम लोग पैदल ही ट्रैवल करते हैं या फिर आते या जाते हैं। और बेसिकली यहाँ अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो खाने का सामान हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए उसे अप्रॉक्स 4-5 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है। या तो उसे बग्वाली पोखर मार्केट जाना पड़ता है या फिर द्वारहाट मार्केट। और अभी तो ज़्यादातर लोग द्वारहाट मार्केट को जाते हैं क्योंकि द्वारहाट के लिए अभी कच्ची सड़क बनी हुई है। तो कभी कभार कोई गाड़ी बुक करके या फिर एक आध गाड़ियाँ हैं गांव में तो वो जाते हैं, तो उनके साथ जाके अपना सामान लेके आते हैं। तो वैसे सोचने वाली बात है, आज के टाइम पे भी मतलब यहाँ भी पूरी तरह से सड़क नहीं पहुँची है। मतलब एक जो स्ट्रगल है वो किस लेवल पे है। और बच्चों को गांव में प्राइमरी स्कूल तो है पर वो बंद हो चुका है क्योंकि गांव में बच्चे नहीं हैं, सब लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। अब लोगों की भी मजबूरी है कि वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि गांव में सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो कैसे वो भी अपने बच्चों का फ्यूचर यहां खाली बर्बाद नहीं करना चाहते। बाकी बग्वाली पोखर में है इंटर कॉलेज और गर्ल्स स्कूल, इंटर स्कूल, तो उसके लिए भी हमारे गांव के बच्चों को कम से कम 5-6 किलोमीटर डेली पैदल चलना पड़ता है, वो भी एक साइड से। एंड एवरेज 10 किलोमीटर एक आने जाने का हो जाता है और साथ में उनका स्कूल बैग एंड अदर चीज़ें। और अगर बात की जाए कॉलेज करने के लिए तो बच्चों को द्वारहाट या फिर रानीखेत से कॉलेज करना पड़ता है। और अगर हमारे गाँव की बात की जाए तो यहाँ से द्वारहाट कॉलेज भी लगभग 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और आने जाने का 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो इतना डिस्टेंस डेली कवर करना एक बहुत ही हार्ड चैलेंजेस रहता है। तो पहाड़ों में रहना और यहाँ पर स्ट्रगल बहुत हार्ड चीज़ है क्योंकि जो शहरों में रहते हैं उनके तो घर से बच्चे गाड़ियों में ही जाते हैं। यहाँ केवल देखने में खूबसूरती है और यहाँ रहने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। बाकी यही सब है। अभी देखो, अभी मैं खुद जंगल में ही हूँ। अभी मैंने एवरेज 6-7 किलोमीटर पैदल चल के आ चुका हूँ और अभी 4-5 किलोमीटर और बचा होगा द्वारहाट, तो उतना मेरे को चल के जाना है। बाकी फिर आना भी है, आते वक्त कभी कभार गाड़ी मिल जाती है वो भी आधे रास्ते तक, क्योंकि ऊपर है पक्की रोड, वहीं तक की हमें गाड़ी मिल पाती है तो वहीं तक हम आ पाते हैं। तो यही सब है इस वीडियो में। सो वेल गाइज, हम पक्की रोड में पहुंचने वाले हैं और हमारी कच्ची रोड यहाँ ख़त्म होने जा रही है, बस थोड़ा सा ही बचा है। बाकी यहाँ आने में भी काफ़ी टाइम लग गया। अब यहाँ से
पक्की रोड से गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं कभी कभार, और अक्सर मैं पैदल भी निकल जाया करता हूँ। यहाँ से लास्ट पहाड़ दिख भी नहीं रही अभी, सूरज देवता आए हैं वहाँ से, बोल रहे हैं मेरे आगे किसी की चल सकती है क्या। हम पहुँच चुके हैं पक्की रोड में, और यहाँ से हमारे गांव को सड़क जाती है, और ये आती है आपकी दुनागरी बिंता साइड से कौसानी रोड, एंड दिस वन इज द्वारहाट रोड। तो अभी थोड़ा और मेरे को चलना है, यहाँ से 15-20 मिनट और लगेंगे द्वारहाट जाने में। बाकी मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, और यहाँ दूसरी सड़क भी है विजयपुर वाली, तो यहाँ भी गाड़ियाँ चलने लगी हैं, और अभी हम मारेंगे एक शॉर्टकट यहाँ से। जो कि हमारे डिस्टेंस को काफी शॉर्ट कर देगा। यहाँ नीचे है सड़क, नीचे से जाना है मेरे को सीधे क्यों समुद्र रंग क्यों ला। सो फाइनली दोस्तों हम द्वारहाट के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।